नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दागर टेक टेक्निशन में। और किसान साथियों, ये लहसुन में पानी जा रहा है हमारे। ये लहसुन अभी कल ही बोया था हमने, जिस ये बड़ा नाप का एक बीघा है किसान साथियों लहसुन, जिसमें हमको किसान साथियों 3 क्विंटल जो कलियाँ होती है उनकी ज़रूरत पड़ी हमको इस एक बीघे खेत में। 3 क्विंटल कलियाँ हमारे 1.5 बीघे में आई। थोड़ा बहुत 5-6 क्या दूसरे खेत में भी हैं, तो उसमें और अगले वाली वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। उसमें ये उराई के बाद किसान साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये जिंक सल्फेट है किसान साथियों, जो रुकड़िया खाद आता है उसका छिड़काव हमने कर दिया, जो आपको उस पेज पे दिख रहा है। इसमें पूरे खेत में 4 कट्टे का खाद हमने रुकड़िया खाद आता है उसका फ़ायदा ये किसान साथियों, उससे आपको फसल खेत मतलब एकदम कंवला रहता है, जो हार्ड नहीं होते मिट्टी और नरम रहती है, जिससे कि आपके लहसुन मतलब अच्छी पैदावार निकल मतलब अच्छा बड़ा कंद बन सके, इसके ये फ़ायदा होता है। और ये दूर दूर से पानी आ रहा है हमारे। इसमें हमने खरपतवार के लिए किसान साथियों, हमने जो पानी से पहले दवाई छिड़की जाती है वो हमने ये वाली ओसवाल कंपनी की एलाइटो मेटोलेकेल और 50% ईसी ये नाम से हमने खरपतवार के लिए ये दवाई हमने छिड़काव कर दी है। ये 10 टंकी की दवाई किसान साथियों, 100 ml एक टंकी में डालनी होती है, जो ये आपको काम ये करेगी किसान साथियों, इसका बहुत जोरदार फायदा है। ये 40 दिन तक तो आपके खेत में कोई खरपतवार उगने नहीं देगी, क्योंकि लहसुन 40 दिन में एक बार इसकी निराई गुड़ाई अच्छे से हो जाती है और थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है। और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हमको देखने को मिला किसान साथियों, ये 1000 रुपये की ये दवाई आई है। और अगर आप निराई गुड़ाई करवाते हैं कि ये मजदूरों से, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं और निराई गुड़ाई में बहुत टाइम भी लगता है। इसका हमने प्रयोग पिछले साल कर दिया था, तो हमको तो ये बहुत ही अच्छी लगी किसान साथियों, तो इस साल भी हमने ये खरपतवार दवाई लाए हैं, क्योंकि खरपतवार इसमें बहुत उगेगा किसान साथियों। हमने इसका ट्राई कर दिया था पहले और ये बहुत अच्छे काम कर दवाई है, इसका बहुत ही फ़ायदा है। जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो ये दवाई खरपतवार के लिए ज़रूर लेकर आए और बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि उस समय किसान साथियों मजदूर भी नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा खरपतवार हो सकता है खेतों में, कहीं कोई बारिश आ सकती है, बहुत समस्या होती है किसानों के लिए। तो आप ये दवाई का छिड़काव ज़रूर करें, हमने तो कर दिया है, इससे कि आपके फिर बाद निराई गुड़ाई करेंगे ये लहसुन उगने के बाद, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि खरपतवार एक भी नहीं उगेगा, बहुत कम मात्रा में उगेगा, 5-7% के आसपास, नहीं तो नहीं उगेगा। ठीक है किसान साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और आने वाली वीडियो और आएगी, जिसमें हम दिखाएंगे कि लहसुन में आगे क्या क्या करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली किसान साथियों। हमने इस साल ट्रैक्टर भी नया लिया, तो उसका भी वीडियो आएगा, तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना किसान साथियों, और चैनल को प्रमोट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।